चलिए अब बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। तो हमने यहाँ पर सीखा था बेटा, एक इंडिविजुअल जो होता है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होता है तीन कैटेगरी में। फर्स्ट वाज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसे हम ROR भी बोलते हैं, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी RNOR, और लास्ट वाज नॉन रेजिडेंट दैट इज NR। और सेक्शन 6 ने हमें बताई थी दो बेसिक कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन अगर एसएससी फुलफिल करता है तो नेक्स्ट कंडीशन पर जाने की जरूरत नहीं है। इनकेस एसएससी फर्स्ट कंडीशन नहीं फुलफिल कर पाता तो हम नेक्स्ट कंडीशन चेक किया करते थे। तो आइए बेटा समझते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी। फर्स्ट कंडीशन थी कि जो इंडिविजुअल है वो प्रेजेंट होना चाहिए, उसका स्टे होना चाहिए इंडिया में कितने दिनों के लिए, 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कौन से ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में हम चेक कर रहे हैं उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। इनकेस एसएससी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता था तो हम देखते थे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होती थी बेटा हमारी, सेकंड कंडीशन थी हमारी ही मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो यानी इस कंडीशन में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि जिस इंडिविजुअल का हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हैं तो जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम ये चेक कर रहे हैं स्टेटस, उस प्रीवियस ईयर में हमने देखना होगा कि इंडिविजुअल 60 डेज और मोर रहना चाहिए। प्लस उसके साथ हमने देखा था कि पिछले 4 सालों में, कौन से पिछले 4 साल, जिस प्रीवियस ईयर में हम चेक कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस उससे पिछले 4 साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 years में इंडिविजुअल है उसका स्टे होना चाहिए 365 डेज और मोर, और ये दोनों कंडीशन जो है कम्युलेटिव फुलफिल होनी चाहिए। इनकेस एसएससी बेसिक कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करता था तो वो कहलाता था रेजिडेंट, और साथ ही फिर हम फर्दर चेक किया करते थे कि रेजिडेंट वो कौन सा है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। उसके लिए होती थी हमारी 2 एडिशनल कंडीशन। लेकिन 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 इनकेस एसएससी एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता तो वो क्या कहलाता था, वो कहलाता था नॉन रेजिडेंट। साथ ही हमने 2 कंडीशन और पढ़ी थी जहां पर बेसिक कंडीशन सेकंड वाली एप्लीकेबल नहीं होती करती थी। 2 केसेस कौन से थे, वो केस थे कि अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर जा रहा है, किस पर्पस के लिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, या अगर वो मेंबर है किसी क्रू का ऑफ एन इंडियन शिप, तो उस केस में भी 182 डेज और मोर जो बेसिक कंडीशन का फर्स्ट कंडीशन है वो अप्लाई हुआ करती थी। साथ ही एक इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया से बाहर रहा करता था, कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया, अगर वो कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में भी हम बेसिक कंडीशन की जो फर्स्ट कंडीशन है वो अप्लाई करते थे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारी सेक्शन 6 की बेसिक कंडीशन खत्म होती है। अब बात करते हैं एडिशनल कंडीशन की। इन केस एसएससी क्या हो गया, अब रेजिडेंट हो गया, तो उस केस में हमें चेक करना होता था कि वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो फर्स्ट कंडीशन जो थी, एसएससी जो है कम से कम 2 प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट रहा हो आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, और ये जो 10 प्रीवियस ईयर है ये कौन से होते थे, ये होते थे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच वी आर डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन हुआ करती थी वो होती थी कि उसका जो स्टे है इंडिया में पिछले 7 सालों में वो कम से कम 730 डेज होना चाहिए, और ये जो 7 साल है ये कहाँ से हम देखेंगे, हम देखा करते थे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, यानी जिस प्रीवियस ईयर में हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हैं इंडिविजुअल का उससे पिछले 7 साल जो होने चाहिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग। तो इन केस दोनों कंडीशन फुलफिल करता था एसएससी तो वो कहलाता था रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इन केस कोई भी एक वो कंडीशन फुलफिल कर पाता था तो वो कहलाता था रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फिर हमने समझा था कि HUF का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो डिटरमाइन कैसे किया जाता है। तो हमने वहां पे सीखा था HUF जो है वो रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया में सिचुएटेड हो। इन केस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है तो HUF क्या बन जाता था, नॉन रेजिडेंट। साथ ही हमने देखा था कि HUF के केस में रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का भी स्टेटस चेक किया जाता था। वो कैसे किया जाता था चेक बेटा, इन केस अगर HUF रेजिडेंट बनता है तो फिर हम फर्दर कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया करते थे। कर्ता अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो HUF बन जाता था ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और कर्ता अगर RNOR है यानी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो उस केस में HUF बन जाता था रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नेक्स्ट वाज फर्म्स एंड एओपी। फर्म्स एंड एओपी के केस में या कंपनीज के केस में हमेशा केवल दो चीजें हुआ करती थी, या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। तो उस केस में फर्म और एओपी रेजिडेंट कब कहलाएंगी? जब उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वो कहां पर होगा? होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया। और कंट्रोल और मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है, तो एओपी या फर्म क्या बन जाएगी? नॉन रेजिडेंट। दूसरा केस हमने सीखा था कंपनी का, कंपनी कैसे रेजिडेंट होगी? तो दो कंडीशन हमने वहां पढ़ी थी कि एक कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगी, कब कहलाएगी? अगर वो इंडियन कंपनी है या उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां पर है? इंडिया में है। अगर कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है या उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है, तो उस ईयर के लिए वो क्या बन जाया करती थी? नॉन रेजिडेंट बन जाया करती थी। फिर हमने सीखा था बेटा सेक्शन 5 जो बात करता था स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो यहां पर हमने भी करे थे तीन केस। फर्स्ट वाज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सेकंड वाज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और थर्ड वाज नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में हमने समझा था कि जो ग्लोबल इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है आरओआर के केस में, यानी इनकम रिसीव्ड डीम टू बी रिसीव्ड, एक्रू और अराइज डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया वो टैक्सेबल हो जाया करती थी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में। नेक्स्ट वॉज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो हमने यहां पर देखा था आरओआर आरएनओआर के दोनों के प्रोविजन सेम है, बट एक डिफरेंस हुआ करता था। कौन सा डिफरेंस हुआ करता था? वो इनकम जो एक्रू और अराइज हो रही है आरएनओआर को आउटसाइड इंडिया से, लेकिन जिस बिजनेस से ये रिसीव हो रही है या जिस प्रोफेशन से रिसीव हो रही है वो क्या है? या तो वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है या प्रोफेशन क्या है? सेटअप इन इंडिया है। तो उस केस में ये इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में। नॉन रेजिडेंट के केस में केवल दो इनकम टैक्सेबल हुआ करती थी। फर्स्ट वाज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, और इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो यहां पर बेटा खत्म होता है हमारा सेकंड चैप्टर जो बात करता था रेजिडेंशियल स्टेटस की।